हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज जो है एक नया वीडियो लेके आया हूँ शीट मेटल रीजन के ऊपर। हम सॉलिडॉक्स में शीट मेटल रीजन करने वाला है। कोई एक नया पार्ट है उसके मैं शीट मेटल करूँगा सॉलिडॉक्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख पा रहे हो ये एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें मेटेरियल है ब्रास है और थिकनेस जो है 3 mm का थिकनेस का है और जो बैंड रेडियस है 2 mm का है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये बना हुआ है ऑलरेडी, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये पार्ट है, कुछ कुछ चीज़ें में डायमेंशन है, कुछ कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्त मैं स्टार्ट करता, कोई एक शीट मेटेरियल डिजाइन होता है ना उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए आप क्या क्या फैक्टर आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक न्यू विंडो ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जैसे मेरा ये डिज़ाइन है, ठीक है, तो कोई एक शीट मेटल की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शीट मेटल की आपकी के फैक्टर क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले ली स्केच ले लिया, यहाँ पे एक नया स्केच ले लिया और इसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे हो इसकी है 44 mm की वो है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है आपकी 95 mm की है। तो मैंने यहाँ पे 44 एंड 95 का मुझे लेना है, 95, ठीक है, 95 mm लेना है आपको और इधर जो है 44 का आपको लेना है। ठीक है, तो 44 आप देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे शीट मेटल पर जाऊँगा, यहाँ पे मुझे बेस प्लेन देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेस प्लेन टैब दबा दिया हूँ। जैसे मैं बेस प्लेन यहाँ पे हिट करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आता है शीट मेटल पैरामीटर। जो मेरा पैरामीटर थिकनेस है यहाँ पे है ऑलरेडी मेंशन है 3 mm का लेना है, मैं 3 mm ले रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा जो है के फैक्टर। दोस्त आपको पता होना चाहिए कोई एक डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप के फैक्टर कितना ले रहे हो। बात इस के फैक्टर जो है बहुत इम्पेक्ट करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। आपके के फैक्टर को कैसे जानोगे, के फैक्टर जो होता है आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है और आपकी जो मेटेरियल थिकनेस है दोनों में जो रेशियो होता है ना वो आपको के फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर आप हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को मान लेते हैं स्मॉल टी और अब जो मेटल थिकनेस है उसको हम लोग कैपिटल टी से अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो स्मॉल टी बाई कैपिटल टी आपको निकल जाएंगी के फैक्टर तो आपको ज़रूरत है ही। उसके बाद आता है आपको बैंड अलाउंस, आप कितना बैंड अलाउंस ले रहे हो, ठीक है, बैंड रिडक्शन कितना आ रहा है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ड्रॉइंग है आप इस पर देख पाओगे, यहाँ पर जो है जो बैंड लाइन है ये सेटबैक है, ठीक है, कहाँ से कितना एम एम का सेटबैक होता है, अब बैंड एंगल कितना दे रहे हो, आपकी थिकनेस क्या है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैक्टर जो है 0.5 लेके जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 0.3 mm का थिकनेस है, ठीक है। अब अभी जो मेरा डिज़ाइन है यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मेटल देखना है, यहाँ पे मेटल में गया, एडिट मेटल में मुझे जाना है। अब यहाँ पे जो है मेरा मेटल जो है ब्रास में है, तो मैं यहाँ पे कॉपर में गया और मेरा ये ब्रश, ठीक है, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जो है मेरा मेटल ब्रश में है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा मेटल ब्रश में है, ठीक है। अब मुझे लेना है फ्लेंज, कितने एमएम का है ये थिकनेस दे रखा है आपको, यहाँ से आपको थिकनेस पता होना चाहिए कितना आप डाल रहे हो। यहाँ पे लेज से मैं 45 का ले रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर आप आउटर से कोई डायमेंशन मेजर करते हो, अब जो ये चीज़ देख रहे हो जैसे ये यहाँ पे 45 है, ठीक है, कुछ आप दीवार दिख नहीं पा रहे हो, तो ये ऊपर से मेजर किया हुआ है, कहाँ तक, इसकी नीचे तक, ठीक है। जो आप जो फ्लेंज दोगे वो आपके डायमेंशन जो होगा ऊपर से लेके आपको नीचे तक लेना है। लेट से यहाँ पे 45 है तो मैं यहाँ पे 45 ले आऊँ। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऊपर से, देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपकी आउटर वर्सियल स्लैब, जो अगर बाहर से लोगे या आप अंडर से लोगे वर्सियल को या आप ओवरऑल लोगे, ठीक है, तो मैं जो है हमेशा आउटर से लूँगा, ठीक है। और इसमें आता है मेटल इनसाइड रखना है कि मेटल आउटसाइड रखना है,
ठीक है, अगर आप मटेरियल इनसाइड रखोगे तो आप जितना लोगे उतना ही आपको डायमेंशन मिलेंगे, अगर आप आउटसाइड रहोगे तो आउटसाइड से क्या होगा, मटेरियल थिकनेस आपके पार्ट के जो ओवरऑल डायमेंशन है उसमें आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे ऐड हो रहा है। नेक्स्ट आता है बैंड आउटसाइड। ठीक है, बैंड जो है आउटसाइड अब लाइन से बेंड होगा। ठीक है, अगर आपको लाइन से बेंडिंग करना है तो आप जितना मेटल थिकनेस है प्लस ब्लेंड एलन आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेटल इनसाइड ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेटल इनसाइड 45 mm। ठीक है, मैंने ओके डन किया, दोनों साइड मुझे बनाना है, दोनों साइड है मेरा। और इसमें जो बैंड रेडियस है यहाँ पे 2 mm का बैंड रेडियस दे रखा है, बैंड रेडियस 2 mm डन। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एक दो फ्लैंस बन गया है। अब नेक्स्ट जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे जाना है मुझे, यहाँ पे जो इसकी वो दे रखा है ये आपकी 22 mm का आपने दे रखा है। और दोस्तों ये कहाँ से दे रखा है, ये आपका ये इस एज से दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है आपको किस एज से दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको इस एज से दिया है तो आपको इस एज लेना होगा, वहाँ से आपकी 22 रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, आपको रिवर्स डायरेक्शन लेना है 22 mm, 22 विथ बैंड रेडियस ऑफ 2 mm, आपको देखना है कहाँ से ले रहा है और किधर से दे रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 22 mm सेट कर दिया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे कॉर्नर है थोड़ा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्रेक कॉर्नर ट्रिम कॉर्नर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, फिलहाल जो है जैसे जैसा है वैसे रहने दो आप। अब नेक्स्ट जो मेरा पाम है मुझे ऊपर से ये इसको काटना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर स्केच लूँगा। ठीक है, स्केच मैंने दबाया कंट्रोल 8। ठीक है, अब ऊपर से आपको अभी ये काटना है, ये जो है आपकी 44 लिया लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे 32 है, तो पहले जो है हम 32 का काटेंगे सबसे पहले जो है। तो मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, मैं यहाँ पे एक जो है ओवरऑल एक स्केच लिया, अब ये स्केच को मैं इसके साथ कर दिया 0। ठीक है, फिर इसके साथ इसको मैं कर दिया हूँ 0। ठीक है, तो मेरा दोनों साइड से हो गया। अब इसको आपको करना ये है, ये जो डायमेंशन है आपको इसके साथ बनाना है 12 mm, 44 - 32। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है 12, दोनों तरफ से आपको 12 ही लेना है। ठीक है, सॉरी 120 आ गई मेरा, 12 mm। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यहाँ से 12 mm होगा कट इनसाइड। बट यहाँ पे काट होने से पहले आपको ये से स्किप करना है कि आपके 8 mm को स्किप करना है। तो मैं यहाँ पे लिए एक जो है, मैं जो है यहाँ पे एक स्किप कर रहा हूँ 8 mm की, जिसकी मैं मुझे ज़रूरत है वो मेरा होंगे 8 mm। ठीक है, यहाँ पे मेरा 8 mm की, ठीक है 8 mm की है। और जो ये साइड से डिस्टेंस है 19 mm का है, 19 mm मेरा इस साइड से डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के, उस कितना है 19 mm, 19 mm के डिस्टेंस में है। नेक्स्ट आपको करना ये है, ये जो भी साइड है इसकी जो साइड से है इसको कितना गैप है आपको ये दिखना भी है। और ये जो है मेरा 19 mm का है, तो मैं यहाँ पे एक 19 mm की वो बनाऊँगा जिसको मुझे कट नहीं करना है, तो इसको मैं जो है इसको मुझे ट्रिम करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इसको जो करना है ट्रिम, मुझे बाहर का बाकी सब काटना है, मैं ट्रिम गया यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने जो है ट्रिम कर दिया, अब जो है मेरा ये काट नहीं होगा। उसके बाद आपको 22 mm लेफ्ट करना है, यहाँ से आपको एक लेना है रेक्टेंगल्स। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस होंगे जो पार्ट आपको काट, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 22 mm तो है लेकिन आपको यहाँ पे काट इस पार्ट को काट नहीं करना है। तो आप क्या ऐड करोगे, 22 से आप 13 mm माइनस करोगे। ठीक है, तो 13 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 9 mm की। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, तो इसको भी आपको काट नहीं करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको काटने, जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये जो सीज़ है अलग अलग डिस्टेंस में काट है, तो यहाँ पे मैं अगर कंटूर करूँगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे, तो मैं इसको जो है बाद में काट करूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इसकी ड्यूटोरियल अलग तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इसको अलग तरीके से काट करूँगा। अब मुझे ये दिखाना ये है, मुझे यहाँ से 20 mm के डिस्टेंस में, ये 20 mm के डिस्टेंस में है, ठीक है। और ये जो है आपकी यहाँ से सेंटर जो है 20 mm डिस्टेंस पे, यहाँ जो है आपके साइड से 19 mm है, ठीक है। तो मैं इसको जो है फिलहाल के लिए ट्रिम कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, मुझे ट्रिम करना है इसको। मैं इसको ट्रिम कर दिया। अब इसको जो काटना है, मेरे यहाँ से डिस्टेंस रहेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रहेंगे, मेरा पहला जो है 22 प्लस यहाँ पे रहेंगे आपके 21 प्लस 19, ठीक है दोस्तों। यहाँ मुझे इतना कट करना है, ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 19 mm आपको ये कट करना है। तो फिलहाल ठीक है, मेरा सब ओके है, तो मैं स्केच से एग्जिट किया हूँ। अब इसको जो है आपको है काटना, ठीक है। अब इसको जो है आप एक्सट्रूड काट कर दो, एक्सट्रूडा बॉडी, ठीक है। तो मेरा पूरा बॉडी यहाँ पे कट हो गया है। अब दोस्तों आपको बनाना ये है यहाँ पे, इसको बनाने से पहले तो इसको आपको काट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप पहले इसको काट कर देते तो इसको बनाने में दिक्कत आता, तो मैं यहाँ पे एक फ्लेंच ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लेंच ले लिया। कितने का आपको फ्लेंच लेना है? 51 का जाना है। तो ये देखो आप 51 जो है ऊपर से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है 51 लेना है, और इसमें जो है आपकी वेन रेडियस जो है 2 का है, ठीक है। तो 51 प्लस 2, ठीक है। तो आपका ये वायरल एक बन के आया। अब इसको हम बाद में करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। कितने का ब्रेक करना है? यहाँ पे आपके लिए रखा है 7K, तो हम इसको 7K फिलेट लगाएंगे, ठीक है। 7K फिलेट लगाना है आपको, और डन, ठीक है। तो 7K मैंने यहाँ पे फिलेट लगाए हैं। अब आपको काटना यू है कि ऊपर का आपको ये काटना है, तो इसको भी काट देते हैं, है ना। Ctrl 8। अब जो है आपको थोड़ा सा गैप रखना है, गैप रख के आपको ये काटना है। तो मैं इसको जो है पहले बाहर ही ले आऊँ, ठीक है। और ये जो गैप है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है सेंटर तक है, सो सेंटर जो है मेरा 22 mm के डिस्टेंस पे है, तो मुझे यहाँ से जो है 22 लेना है, ठीक है। 22 mm डन, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस पे है ये, तो 22 mm मुझे लेना है, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है, ये आपकी जो कट है 8 mm का रखना है मुझे, तो मैं यहाँ से जो है 8 mm की वो रखूँगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेरा ये रहेंगे, ये रहेगा आपको 22, ठीक है। अब मेरा ये 22 mm का हो गया है, अब मैं इसको काट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ मैं इसकी होल भी काट कर देता हूँ, जो मेरा यहाँ पे होल है सेंटर पे है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है 13 रील दे रखा है, और इसका जो डिस्टेंस है आपको डिस्टेंस इसको करना है 22 mm, और ये जो डिस्टेंस है 22 है, ठीक है। और ये इसका जो पोजीशन है, यहाँ से 29 mm है, तो डिस्टेंस ऑफ 29 mm में है, ठीक है। अब इसको एग्जिट किया। सिमिलरली इसको आपको काटना है, नेक्स्ट टूट कट करना है। कितना mm करना है आपको? इसका डायमेंशन नहीं है, बट हम इसको ले रहते हैं 10 mm के तक, ठीक है। तो मैंने इसको जो है 10 mm जो है कट कर दिया हूँ, ठीक है। अब मुझे दोस्तों यहाँ से काट करना है फिलहाल के लिए। अब उससे पहले मैं इसकी जो है ब्लेंच बनाऊंगा, ये जो है आउटर से है आपकी, दे रखो आप देख पा रहे हो। अंदर जाना है आपको कितना mm है? 30 mm तक। और इसका बैन रेडियस जो है ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया, 2 का बनाना है,
और जाना है आपको 30 mm अंदर, ठीक है। अंदर से है, हम लोग बाहर से देंगे, यहाँ पे बाहर से डायमेंशन है, ठीक है। 30 mm डन, ठीक है। अब जो है इसको अब जाना है, यहाँ पे स्केच देना है आपको, कंट्रोल ले डाल लिया हमने। अब इसको आपको ये वाला चीज़ हम बाद में काट देंगे, आप करना चाहते हैं तो आप काट सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए एक ऐसे रक्स बना दिया हूँ। इसको आपको डायमेंशन करना है, यहाँ से इसकी 19 mm है तो आप यहाँ से इसके डायमेंशन के लिए 19 mm रखोगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना mm की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 19 तो रख दिया है, अब ऊपर से आपको दिखना है डिस्टेंस कितना है आपको। अब ऊपर से मैं एक लाइन बना लेता हूँ इससे, जिसको मुझे कट करना है, लाइक इसी तरीके से मुझे ये पार्ट भी कट करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इस पार्ट को कट करूँगा स्ट्रेटली, ठीक है। ये जो पार्ट थोड़ा मैं नीचे आएंगे, लेट्स से मैं इसमें 10 mm ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कितने mm आपको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक लाइन लिया, इसमें जो है मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको जो है आपको करना है ट्रिम, ठीक है। अब ये जो है लाइन मेरा हो गई ट्रिम यहाँ पे। अब इसकी जो डायमेंशन है 13 mm का है, कहाँ से 13 mm है, ये आपके यहाँ से, ठीक है दोस्तों। सेकंड मेरा डिग्री में आ रहा है, मेरा लाइन में सिलेक्ट नहीं हुआ है, मुझे यहाँ से इस लाइन से इसके डायमेंशन जो है मुझे लेना है, यहाँ से 21 mm है, तो मैं इधर से ओवरऑल जो है 21 mm में लेना है। उससे पहले मुझे यहाँ इसको ना स्ट्रेट लाइन बनाना है, क्योंकि मेरा ये लाइन स्ट्रेट नहीं था, और जो मेरा एंगल कांस्टेंट है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आपको लेना है 21, ठीक है दोस्तों। 21 mm का है मेरा, और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, जो हाइट है इसकी, इसकी इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसकी इक्वल आप दे दो, इसकी उकेल दे दो आप 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है 6 mm की एक ऑफसेट मारो, यहाँ पे कितने mm चैम्फर करना है वो आपको दिया नहीं रखा है, तो यहाँ पे बस इतना है कि ये आपको 6 mm होना चाहिए। तो मैं ऑफसेट तो मार सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 6 mm करना है, तो मैं इसको 6 mm की ऑफसेट करूँगा। सेन नहीं करना है आपको, लाइन करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं हाफ ऑफ द लाइन चैम्फर कर लूँगा, जैसे मुझे पता नहीं है यहाँ पे कुछ कुछ डायमेंशन कुछ है नहीं, तो यहाँ के लिए मैं फ़िलहाल चैम्फर कर दिया हूँ, ठीक है। अब जो है ये मेरा बन चुका है, अभी इसको मेरा यहाँ पे, यहाँ इसकी जो है पैरेलल है मेरा, ठीक है। अब ओवरऑल जो है मैं इसको कट करना है, ठीक है। अब इसको मैं थ्रू कट करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने इसको काट कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो है ये आप देख पा रहे हो, मेरा ये बन के आया है। अब बस इसमें करना है आपको यू है, इसमें एक होल बनाना है, हम इसमें होल बनाएंगे, कंट्रोल 8। अब इसमें आप होल बनाओ, इसकी जो वो है 8 mm की है, ठीक है। 8 का ड्रिल है, और इसको जो लोकेशन है ये आपकी, ये जो है टोटल जो है 19 है, तो हम क्या लेंगे इसकी 19/2। इसका सेंट्रल लोकेशन इसने मेंशन नहीं किया है, तो हम जो है फिलहाल इतना ही ले रहे हैं, इसमें भी हम 9.5 लेंगे, ठीक है। एग्जिट किया मैंने स्केच से, यहाँ पे आपको एक्सट्रूड काट करना है, इतना नहीं करना है आपको, बस। आप देख पा रहे हो आपकी ड्राइंग तैयार है ना। इसमें आपको कुछ रिच रह गया तो बोलो आप, ड्राइंग जो है तैयार है। इस तरीके से आपको शीट मेटल पे डिज़ाइन करोगे। अब दोस्तों बात आती है कटिंग की, ठीक है। शीट मेटल पे आप कटिंग कैसे करते हो, आपको कटिंग का भी ज़रूरत है ना। तो कटिंग करने के लिए हम देखेंगे आज इसको कटिंग कैसे करते हैं, चलिए 10 मिनट और लगेंगे, आप देख लो।
ठीक है। अब मेरा आईपीस हो गई, अब मैं इसको कटिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, ठीक है। सेव कर लिया मैंने पार्ट को, डेस्कटॉप में मैंने आप कहीं भी सेव कर लो, ठीक है। मैं पार्ट टू करके सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं ड्राफ्टिंग में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे ए फोर साइज ले रहा हूँ, ए फोर साइज में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए ए फोर साइज में चला गया मैं। अब जो है हमको जो है कटिंग फाइल बनाना है इसकी। तो आपको देखिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए आप किस में कटिंग कर रहे हो। आपने जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेजर पे कटिंग करते हैं, ठीक है। तो लेजर में कटिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए लेजर में कहाँ पे कटिंग कर रहे हो। आप ऑक्सीजन पे कटिंग कर रहे हो या नाइट्रोजन पे कटिंग कर रहे हो, आपको किससे चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन में करते हो या ऑक्सीजन में करते हो, उसमें भी बहुत फ़र्क है। आपके लेजर के टिप कितना ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। मटेरियल कौन सी है आपकी, सब कुछ आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे मैं 3 mm का मेरा है और मेरा मटेरियल जो है ब्रास में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है अब यहाँ पे जाना है आपको, इसकी जो है फ्लैट पैटर्न लाना है। फ्लैट पैटर्न मेरा ये होगी, मुझे फ्लैट पैटर्न को लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ले आया फ्लैट पैटर्न। अब मेरा फ्लैट पैटर्न के साथ, ठीक है, मेरा फ्लैट पैटर्न के साथ यहाँ पे कितना रेडियस, यहाँ पे वेन कितना। आपको अब अगर किसी चीज़ को आप कटिंग के लिए भेज रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना, उसको दिखाना चाहिए कि कितने में डाउन है, कितना अप है, बेंडिंग क्या है, रेडियस वेन रेडियस क्या है, आपको ए टू जेड पता होना चाहिए। अब दिखाना पड़ेगा ना आपको, ड्राइंग पे होल है अगर यहाँ पे, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, सब देख पाओगे आप, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको टेबल पे जाना है, ठीक है। टेबल जाने से पहले उसकी एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप जो है इसको दिखा दो। आप यहाँ पे जाओ, करंट ट्राइमेट्रिक आइसोमेट्रिक, मैं ये वाला ले आओ, यहाँ पे मैं उसको आइसोमेट्रिक दिखा रहा हूँ। और इसको जो है मैं एज ए आइसोमेट्रिक प्लस सेडेट में मैं दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको सेडेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आपको यहाँ पे आपने जो भी जो है ये आपने इसने दिखा दिया। नेक्स्ट टेबल मुझे कटिंग करना है, कटिंग फाइल बनाना है मुझे, सीएनसी में कटिंग करना है, ठीक है, लेजर कटिंग करना है। तो इसमें जो है मैं यहाँ पे बैंड टेबल लगाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे बेंडिंग देख पा रहा हूँ, हर जगह मेरा बेंडिंग है। तो मैं बैंड टेबल लिया, मैं यहाँ पे ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे ए बी सी लेना है, 1 2 3 लेना है, मैंने ए बी सी लेना है मुझे, ठीक है। तो मैं एज ए बी सी रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसको आप, मैं यहाँ पे मेरा बैंड टेबल जो है आ गया, ठीक है। अब ड्राइंग को थोड़ा आप साइड में ले आइए, अब थोड़ा बैंड टेबल के लिए जगह दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैंड टेबल देख पा रहे हो, बैंड टेबल मेरा है जो है आ गया। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं जो है बैंड टेबल को थोड़ा कस्टमाइज़ करने वाला हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। बैंड टेबल को आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ देखना आप है, ये आपकी फ़िक्स होगा, जो आपकी फ़िक्स पैटर्न रहेंगे, ठीक है। आपका जो फिक्स पैटर्न होगा इसको आप डिफ़ाइन करो कि ये मेरा ये फ़िक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, आपने तो बैंड टेबल लगा लिया, अब यहाँ पे आपकी होल भी है, ड्रिल है, ठीक है। ड्रिल के लिए आप क्या लगाओगे, ठीक है। अब जहाँ पे ड्रिल है वहाँ पे आप होल लगाओगे, ठीक है। होल के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछते हैं आपको एक्स वाई किसको रखना है। लेट से मुझे एक्स वाई मेरे इसको रखना है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई आपको डिनोट करना होगा कि एक्स कहाँ रहोगे, वाई कहाँ रहोगे, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मेरा एक्स ये होगा और वाई जो है मेरा ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको होल की जो एज है उसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, कि जो जो होल है आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है और डन करना है। यहाँ पे जैसे आप डन करोगे, यहाँ पे होल और इसकी लोकेशन जो है आपको यहाँ जो है मिल जाएंगे। और इसको जो है आप बहुत बड़ा है, ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको आप छोटा कर लो आपके हिसाब से, ठीक है। अब ये आपकी होल टेबल हो गई, बैंड टेबल हो गई। अब इसकी आपको डायमेंशन करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है आपको कितना है। आप डायरेक्ट मॉडल डायमेंशन भी कर सकते हो या आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। हम लोग यहाँ पे जो है मैं स्ट्रेट डायमेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरा स्लो चलता है पीसी आज, चल रहा है बहुत अच्छा, डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आपको डायमेंशन ऐसे करना है,
कि आप पहले जो है इसको हम ऊपर से लेके नीचे तक कितना एमएम है आपकी, ये इसको आपको दिखाना है 219 का है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है ऑलरेडी आप मेंशन करोगे टाइटल ब्लॉक में कितना थिकनेस है, मेटल कौन सी है, ठीक है। और इसको आपको ये भी पता होना चाहिए आप इसमें जो है कोटिंग कौन सी कोटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कोटिंग भी करना होता है, तो यहाँ पे अगर वेल्डिंग वेल्डिंग होगा वहाँ पे भी आप वेल्डिंग भी दिखाओगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे आप रेडियस भी दिखा सकते हो कितना रेडियस में काटिंग है ये, और जैसे आप मैंने 7 का लिए थे आपको 7 दिखाना है, फिर उस हिसाब से कितना एमएम नीचे आना है। ओवरऑल आपको डायमेंशन करना होगा कि कितना एमएम ऊपर होगा, कहाँ से कितना जाएंगे, सब कुछ दोस्त सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डायमेंशन करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल डायमेंशन करना है सब जगह में। आज जो है बहुत ये अंदर रखना है बाहर रखना है आपको, ऐसे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग भी कर सकते हो। अगर इसको ड्रैग करोगे तो आप इसे आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे, ठीक है, हर एक सीन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप डायमेंशन ले सकते हो। यहाँ पे ओवरलैप नहीं करना है आपको, नीचे ले आओ इसको, ठीक है। और इसके कितने एमएम में है और कितना डिग्री में है आपको इसको दिखाना है, इसमें दोनों में बीच में कितना डिग्री में लेजर जो है रोटेट होगा वो भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। थोड़ा जो है आपको दिक्कत हो रहा है मुझे पता है कि आज जो मेरा स्लो चल रहा है बहुत, ठीक है। ये ऊपर चला गया बहुत, ये मैं थोड़ा नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कोशिश करिए कि यहाँ पे ओवरलैप ना हो डायमेंशन, ठीक है। और आपकी अगर बहुत सारी फाइल है, बहुत सारी आपकी फर्स्ट फाइल है, ठीक है, आप मान लो एक पूरी मशीन जो है मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, तो इसके लिए आपको नेस्टिंग फाइल वगैरह आपको बनाना होता है। नेस्टिंग फाइल में क्या होता है, ठीक है, नेस्टिंग फाइल में आप हर एक चीज़ को आप सिस्टमेटिकली बनाओगे। सिस्टमेटिकली मीन्स जैसे अभी हम लोग एक पार्ट बना रहे हैं, अगर मान लो ऐसे मुझे 1000 पीस निकालना है, काटिंग करवाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको नेस्टिंग फाइल निकालना पड़ेगा। क्यों, आप 1000 पीस के लिए आप हर जगह से हर कोने से आप पीस काट रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, आपके जो मेटल जो वेस्टेज होगा बहुत ज़्यादा होगा। आप नेस्टिंग करोगे तो आपके बहुत जो है जो मेटल है आपकी वो आप उसकी जो वेस्टेज है वो आप कम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जो है आपको ओवरऑल जो है हर चीज़ में डायमेंशन करना होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई, अब डायमेंशन आपको छोटा करना पड़ेगा। ओवरऑल जो है हम लोग ऐसे शीट मेटल पे ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ी सी रहेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से हमें, आप दोनों तरफ से हम दिखा सकते हो यहाँ पे, या आप मॉडल डायमेंशन भी कर सकते हो डायमेंशन। तो ओवरऑल जो है थोड़ा यहाँ पे जो है बहुत सारा रफ हो गई है, तो इसको आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो ये जो होता है शीट मेटल आपको ऐसे करना है। अगर आप इसके लिए साइड साइड में टॉप व्यू साइड व्यू दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो एज ए अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट कटिंग फाइल जो है आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो मैं आपको साथ शेयर किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हो मैं किसी एक पूरा असेंबली बना कर दिखाऊँ, अभी मैंने रिसेंटली एक मशीन बनाया था, ठीक है, तो अगर वो मशीन आप उसके साथ शेयर करूँ, ठीक है, अगर चाहते हो आप पूरी असेंबली देखना चाहते हो तो आप पूरी असेंबली के मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत।